नमस्ते, यापर इस वीडियो में एंड्रॉयड 15 के साथ फनटच ओएस 14 के कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है, यहाँ पर हमने फनटच ओएस 14 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है iQOO 12 डिवाइस के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर फनटच ओएस 14 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट ब्लेज 4.0 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। इसके साथ हम जो है एंड्रॉयड 15 को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉयड 15 के साथ जो है नया पार्शल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर से देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली जो है यहाँ पर सिंगल एप्लीकेशन को भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन जो एंटायर स्क्रीन है उस भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पर पार्शल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर से देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 15 के साथ जो है नया ऐड किया गया है। फिलहाल यहाँ पर फनटच ओएस 14 के साथ जो है पार्शल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फीचर से देखने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर एंड्रॉयड 15 के साथ नया गेशेस के साथ भी चेंजेस है। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर गेशेस के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 15 के साथ गेशेस के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस एंड्रॉयड 15 के साथ एक नया फीचर्स देखने को मिलेगा, ऐप आर्काइविंग का जो फीचर से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फीचर से स्टोरेज के रिलेटेड फीचर है, यानी इससे आपको जो है बेटर स्टोरेज मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐप आर्काइविंग का जो फीचर से देखने को मिलता है एंड्रॉयड 15 के साथ। एंड एंड्रॉयड 15 के साथ नया वाला जो वॉल्यूम पैनल भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर फनटच ओएस 14 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ जो है वॉल्यूम पैनल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली रीडिजाइन वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 15 के साथ। तो नया वाला वॉल्यूम पैनल आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस वगैरह भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। तो एंड्रॉयड 15 के साथ जो है नया वाला वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉयड 15 के साथ जो ब्लूटूथ है इसे जो है इम्प्रूव किया गया है। एंड एंड्रॉयड 15 जो है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज है लार्ज स्क्रीन डिवाइस के लिए, फोल्डेबल डिवाइस के लिए और अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इवन मल्टीटास्किंग एंड स्प्लिट स्क्रीन मोड के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है एंड्रॉयड 15 के साथ। प्लस एंड्रॉयड 15 के साथ आपको जो है बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 15 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्लस एंड्रॉयड 15 के साथ एक नया फीचर्स को ऐड किया गया है प्राइवेट स्पेस करके। इसमें आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, इवन लॉक कर पाओगे। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके जो है प्राइवेट स्पेस का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में जाके आप जो है कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। सेम ऑप्शन जो है फनटच ओएस 14 के साथ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में जाके आप जो है यहाँ पर ऐप हाइडिंग एंड ऐप लॉक का जो फीचर से देखने को मिल जाएगा फनटच ओएस 14 के साथ। तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस किया है, एंड्रॉयड 14 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ जो है ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। काफी जो है यहाँ पर मिनिमल चेंजेस है। यहाँ पर स्पेशली जो है बग फिक्सेस देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर अगर बात करें क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में, तो एंड्रॉयड 15 के साथ जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम एंड्रॉयड 14 की तरह जो है क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलता है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा iQOO 12 डिवाइस के लिए फनटच ओएस 15 का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है एंड्रॉयड 15 के साथ, जिसमें आप अगर आप चाहो तो अभी भी जो है एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है उसे इंस्टॉल कर सकते हो iQOO 12 डिवाइस के ऊपर। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा के साथ कनेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाके 3 डॉट में टैप करना होगा। देन यहाँ पर ट्रायल वर्जन का जो ऑप्शन है इसमें टैप करो। देन यहाँ पर न्यू वर्जन में अपडेट नाउ में टैप करना होगा। एंड यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियली फनटच ओएस 15 एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा iQOO 12 डिवाइस के लिए। नहीं, जो अपडेट का साइज है 2.53 GB है। एंड इसमें आपको जो है ऐसे भी जो है चेंजेस देखने को मिलता है। एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली iQOO का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फनटच ओएस 14 के साथ फनटच ओएस 15 का भी एक कंपैरिजन वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी हमने एजेस नोटिस किया है जो फनटच ओएस 15 है उसमें जो है काफ़ी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलता है। डेफिनेटली कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, बट बहुत सारी जो है एंड्रॉयड 14 का जो फीचर्स है जो कि वीवो फोन में देखने को मिलता है उसे ही जो है एंड्रॉयड
15 के साथ FunTouchOS 15 के साथ iQOO 12 डिवाइस में ऐड किया गया है। प्लस जो चेंजेस है काफ़ी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलते हैं FunTouchOS 15 के साथ, बट फिर भी Vivo एंड iQOO जो है पहला कंपनी है जो कि Android 15 का जो ऑफिशियल अपडेट है रिलीज़ किया है एंड बहुत ही जल्दी अपडेट को रिलीज़ किया है मेरे हिसाब से। तो इसलिए जो है डेफिनेटली आप Android 15 के साथ FunTouchOS 15 का जो अपडेट है उसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने iQOO 12 एंड Vivo डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट करके देखो। बाकी यहाँ पर जो FunTouchOS 14 इसमें जो है थीम्स का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलग अलग थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर हमने जो पोको F5 डिवाइस है इसमें जो Android 15 का जो कस्टम रोम इंस्टॉल किया है इसमें जो है कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन स्टाइल, यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर, डेटा आइकॉन स्टाइल, इवन जो नेविगेशन बार स्टाइल है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। इसके अलावा सर्च बार, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, 4G आइकॉन, डेटा डिजिबल आइकॉन, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है, ब्राइटनेस स्लाइडर, इवन जो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, बैकग्राउंड के ऊपर जो ओपेसिटी उसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, रैपिड एनिमेशन, वेक अप ऑन चार्ज का जो फीचर से यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर आप जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है उसे इंस्टॉल कर सकते हो जब भी आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल होगा। एंड बहुत जल्दी Vivo एंड iQOO डिवाइस के लिए FunTouchOS 15 के साथ एंड्रॉयड 15 का जो अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली जो रोल आउट टाइमलाइन है ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर आप iQOO का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फिलहाल हम FunTouchOS 14 के साथ जो है एंड्रॉयड 14 को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने iQOO 12 डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर पोको F5 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 15 को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में तो कुछ इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा FunTouchOS 14 एंड एंड्रॉयड 15 के साथ। एंड क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा, सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से काफ़ी डिफरेंट सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर FunTouchOS 15 के रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करने के लिए आप iQOO का जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एंड एंड्रॉयड 15 का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है प्लस फुल रिव्यू है उसे चेकआउट करने के लिए आप पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर चेकआउट करके देखो। एंड्रॉयड 15 के साथ कुछ है यहाँ पर लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए जो है पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ब्लूटूथ है उसके साथ भी इम्प्रूवमेंट है, इवन बैटरी बैकअप भी जो है इम्प्रूव हो सकता है एंड्रॉयड 15 के साथ। अगेन डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करेगा, हार्डवेयर टू हार्डवेयर, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर यहाँ पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर जो एंड्रॉयड 14 है ये भी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ऑप्टिमाइज है, इवन एंड्रॉयड 14 के साथ भी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। एनीवे ये जो वीडियो है कैसे लगा जरूर से कमेंट करके बताना, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। iQOO एंड पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देखना। ये जो एंड्रॉयड 14 के साथ साथ जो एंड्रॉयड 15 का जो रॉम है इसका जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।